हेलो आई होप इज डूंग वेल दिस इज़ सो क्विट एंड ब्यूटिफुल दैट इज़ वॉट शाहरुख खान एज़ रिटर्न ऑन इंस्टाग्राम गाना शेयर किया है सुनो आर चीज़ फिल्म से जिसमें कि uh, उनकी बेटी uh, सुहाना काम कर रही हैं फिल्म डायरेक्टर ही है, uh, करी है ज, uh, जोया अख्तर ने और uh, गाना बहुत ही आई थिंक uh, बहुत ही यूथफुल है चेयरफुल है इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जावेद अख्तर साहब ने लिखा है आई थिंक वो 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 बहुत ही ज़्यादा आई थिंक uh, यूथफुल इंसान है और uh, वो, वो वो सामने वो नुमाया भी होता है सो so, शाहरुख खान साहब ने आई थिंक बहुत ही आई थिंक ये ये बात वाजे करी है कि ये जो एक पूरा नेपोटिज्म का ये सारा का सारा जो एक ड्रामा है उसको वो सकम नहीं होने वाले हैं और वो ओपनली एंड डंके के चोर पे अपने अपने बच्चे को सपोर्ट करेंगे और क्यों भी ना क्यों ना करें ये आई थिंक ये एक, एक जिस तरीके का एक बना दिया गया है आजकल के आई थिंक पेरेंट्स जो हैं वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में जो हैं वो अपने बच्चों को अगर अगर सपोर्ट करते हैं तो उसको जिस तरीके से देखा जाता है आई थिंक वो अनफॉर्चुनेट है मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि अभी मैं uh, आमिर खान का एक इंटरव्यू देख रहा था और उसमें उन्होंने बताया कि दैट किस तरीके से जुनेद वायरफ में काम कर रहे थे और उसमें उन्होंने जाके वहाँ पर मिले और स्क्रीन टेस्ट दिया और और मुझको पता भी नहीं था सो यू नो सम हाउ आई फेल्ट की दैट यू नो ही इज बीइंग अ बिट ही जस्ट क्लैरिफाइंग दैट इन द सेंस कि ही इज गॉट इन ऑन इज ओन मेरिट एंड ऑब्वियसली ये इतना ज़्यादा हैमर किया गया है कि दैट पेरेंट्स uh, uh, का स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में ये ये एक तरीके का डिफेंसिव uh, पे होना ये ये आई थिंक आई थिंक बहुत बहुत ऑब्वियस हो गया बिकॉज दे हैव बीन दे हैव बीन लिटरली आई थिंक अब्यूज सो मच और वो बिल्कुल भी फेयर नहीं है और शाहरुख खान जो है वो उस चीज़ को ब्रेक कर रहे हैं वो डंके के चोट पे अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं चाहे वो बेटे का हो आर्यन खान का चाहे सुहाना की बात हो सो ही इज ही इज़ जस्ट 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 सपोर्टिंग दम बिकॉज देखिए अल्टीमेटली क्या है बच्चे अगर टैलेंटेड होंगे बच्चों में दम होगा तो ही वो आगे जाएंगे पेरेंट्स इनिशियल एक, एक थ्रस्ट दे सकते हैं बट बियॉन्ड अपॉइंट नहीं कर सकते और यहाँ पर अगर हम आर्यन की भी बात करें जो कि हमने देखा कि एज एन एक्टर जो कि एड में उनका जिस तरीके से देखा गया है या डायरेक्शन के लेवल पर जो जो बातें आ रही हैं या फिर सुहाना कि अगर हम बात करें एक्टिंग के लेवल पे या फिर एक एज एज स्टार एलिमेंट के लेवल पे आ, आर चीज़ में तो ये ये आई थिंक पब्लिक डिसाइड करेगी एज ए मैन लेकिन अगर आप uh, अगर आप पेरेंट हैं तो वो चाहेंगे आप चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को उनके उनके ख्वाबों में उनको उनको सपोर्ट करें एंड uh, ये मुझे मुझे आई थिंक बहुत खुशी है इस चीज़ की दैट शाहरुख खान इस चीज़ को uh, बिल्कुल अन अपोलॉजेटिक तरीके से डंके के चोट पर वो वो अपने बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं एंड दैट इज दैट इज आप यहाँ पर मैं जावद अख्तर साहब की भी बात करना चाहूँगा कि जैसे मैंने जिक्र किया कि बहुत ही यूजफुल है और आई थिंक वो उनके जो फ़न एलिमेंट जो है वो उनके उनके काम में नज़र आता है और वो आई थिंक नज़र आता रहेगा जो जो आई थिंक ये जो यंग एलिमेंट है या फिर ओल्ड ओल्ड एलिमेंट है ये सब कुछ आपके दिमाग में होता है या आपके सोचने के ऊपर होता है आप किसी भी उम्र में आप आप यूथफुल हो सकते हैं एक एक किस्सा मैं क़स्सा मैं बता बताना चाहूँगा जा, जावेद अख्तर साहब का एक सेशन हुआ था जश्न जा, रेख्ता जो उर्दू का फेस्टिवल होता है वहाँ पर शबाना आज़मी और जावेद अख्तर साहब का तो उनके उनके दोनों के वालदेन वालद के ऊपर शबाना जी के काफ़ी कैफ़ी आदमी साहब जावेद अख्तर साहब के के वालद जानसार अख्तर साहब दोनों शायर थे तो उनके बारे में डिस्कशन था तो जो 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 साहिबा जो होस्ट कर रही थी तो वो उन्होंने दो तीन बार अपने आप को दिक, अपने जिक्र किया कि अब जैसे मैं तो अधेड़ उम्र की हो चुकी हूँ और मैं इसमें अब मैं कैसे उसको बयान करूँ तो उन्होंने अधेड़ वर्ड यूज़ किया अपने लिए उनकी उम्र करीबन आई थिंक लेट थर्टीज़ में होगी मे बी अब शायद मिड थर्टीज़ में हो सकता है हो तो जावेद साहब ने एक बार सुना दो बार सुना तीसरी बार भी जावेद साहब ने कहा भाई देखिए मुझे इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन है जो आप बार बार अपने आप को अधेड़ कह रही हैं तो अगर आप अधेड़ें तो मुझे तो मरे हुए काफ़ी साल हो चुके हैं तो पब्लिक पूरे तरीके से उसमें हंसने लगी एंड या आई थिंक यू नो इट इज़ इट इज़ अप टू यू हाउ यू हाउ यू हाउ यू बिलीव इन दैट एंड जो एक यूथफुल एलिमेंट हम हमारे चीज़ में देख रहे हैं वो आई थिंक जावेद अख्तर से मुझे लगता है कि बेहतर कोई लिख नहीं सकता पर्सनली आई थिंक द फिल्म इज़ लुकिंग वेरी गुड रिवेडियल का जो पूरा कॉन्सेप्ट जो बनाने की कोशिश किया, किया गया है इंडिया में इमेजिन किया गया है जोया अख्तर बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं और उन्होंने जो भी एक आई थिंक ये ये दुनिया बनाई है uh, उसमें कुछ ना कुछ अलीहदगी जरूर होगी वो बहुत ही इंटेलिजेंट डायरेक्टर हैं और uh, उनकी समझ बहुत बहुत बहुत, बहुत अच्छी है एट द सेम टाइम वो ऑडियंस के टेस्ट को भी समझती हैं एंड दैन इट इज़ कमिंग ऑन नेटफ्लिक्स तो ये दो कंट्रीज में ऑटोमेटिकली जाने वाला है सो दे कैन ऑलवेज़ ऑलवेज़ experiment and, and cater to a certain audience that they want to Aapko lagta hai, aap, uh, w what is your opinion about suno do share your opinion about uh, with us and we'll be waiting with it and we'll be waiting for all your comments and, uh, and opinions eagerly this is faridun sharia for Connect from canada stay connected do subscribe to our youtube channel